नरमी बहुत हो गई, अब बस कुछ करना पड़ेगा। हम बहुत तंग आ गए हैं इस महंगाई से, अच्छे अच्छों की दम निकल गया महंगाई में, इतनी महंगाई इन्होंने ज़्यादा कर दी है कि हमारा भी गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। अब इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है कि आप कुछ कर दें, बस अब कुछ कर देना चाहिए इनको, क्योंकि ये वैसे मारने वाले, हमें इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चाहिए, हमें ये वाली हुकूमत नहीं जिसने बेड़ा गर्क कर दिया है पाकिस्तान का। जो पाकिस्तान का इमेज बन रहा था वो भी ख़त्म हो गया। खान साहब ने हमें हिम्मत दिलाई है, अल्लाह ना करे कि ये ऐसी चीज़ें करें, अल्लाह ना करे ये ऐसी चीज़ें करें। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये लोग भी, इनके पीछे भी जो लोग हैं वो भी रो रहे हैं। अगर ये इस तरह करेंगे जुलम तो ये तो और भड़काएंगे, और ज़्यादा लोग निकलेंगे। ये इन लोगों का छोटे छोटे बच्चे आए हुए होते हैं, ये जुलम अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादती हो जाएगी, और ऐसे जुलम नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। हम इस चीज़ को नहीं मानते, राणा सनाउल्लाह को और सबको शर्म आनी चाहिए ऐसी चीज़ बात करते हुए। बिल्कुल इनका, इन लोगों के भी जुलूस निकलते थे जब हमारे पास खान की हुकूमत थी, जब इनके भी जुलूस थे। हमने तो कोई आंसू गैस या कोई चीज़ नहीं निकाली थी, हमने तो कुछ नहीं किया था ना, ये ज्यादती है बिल्कुल। मैं मुल्क को, कौम को ये पैगाम दूंगी कि और निकलें लोग, और हिम्मत करें और आगे आए। जब तक हम नहीं कुछ करेंगे जब तक कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम ही आगे होंगे ना तो फिर आगे कुछ पाकिस्तान, हम खान की मदद कर सकते हैं, खान के अलावा हम अपने मुल्क की मदद कर सकते हैं। हम इस वक्त अपने मुल्क के लिए निकले हैं, हम फर्द वाहिद के लिए भी नहीं निकले, हम मुल्क के लिए निकले हैं बिल्कुल। हमारे मुल्क को हमने बचाना है, हमने मुल्क को अपनी हिफाजत करनी है, हमें उसके लिए निकलना चाहिए। मैं हर किसी से अपील करती हूँ कि ज़रूर निकले और हिम्मत करें। मैं 66 साल की हूँ, लेकिन मैं भी घर से निकली हूँ कि मुझे आकर यहाँ पे कुछ अपना शो दिखाना है, बिल्कुल पावर दिखानी है, ताकि लोगों को भी हिम्मत आए मुझे देखकर।